5 सितंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विधान भवन में शासन, पुलिस प्रशासन और विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने विधानसभा सचिवालय और पुलिस विभाग के अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के साथ ही सत्र के दौरान आवश्यक व्यवस्थाओं को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि अब तक सदस्यों के कुल 614 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हम सभी को आपसी समन्वय के साथ सत्र को सुचारू रूप से चलाना है, जिससे सत्र के दौरान सभी जरूरी विषयों पर सदन में चिंतन मंथन हो सके। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि दर्शक दीर्घा के लिए सदस्यों की संस्तुति पर एक प्रवेश पत्र और मंत्रियों की संस्तुति पर दो प्रवेश पत्र ही जारी किए जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि 5 सितंबर से आप सब जानते हैं मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और हम लोगों की एक व्यवस्था है, एक परंपरा है कि उससे पहले हम लोग सुरक्षा बैठक करते हैं जहां सारे विभागों के अफसर पहुंचते हैं और आज भी पहुंचे और हर तरह का उसमें डिस्कशन हुआ कि किस तरह से सुचारू रूप से हम सदन को चला सकें, किस तरह से सिस्टम प्लेस पर हो, चाहे पानी हो, बिजली हो, अनेक सुविधाएं हो, पासेस में कौन अंदर आ पाएगा, किस तरह के पासों का पास जो है उनका वितरण होगा, तो इनका कहाँ का गाड़ियां पार्क होंगी, तो इस तरह की आज बैठक हुई। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान आम लोगों को कोई समस्या ना हो, उसके लिए यातायात व्यवस्था पहले से ही कर ली जाए। उन्होंने कहा कि ये भी प्रयास किया जा रहा है कि इस दौरान लोगों को कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। वैकल्पिक मार्गों के बारे में लोगों को पहले से पूरी जानकारी दी जाए, जिससे परेशानियों से बचा जा सके। प्रयास ये भी किया गया है कि ट्रैफिक हो, चाहे पुलिस हो, डीएम देहरादून, एसएसपी देहरादून, इनको निर्देशित किया गया है कि प्रयास किया जाए कि स्मूथ तरीके से ट्रैफिक चले। अगर कोई वैकल्पिक रास्ता है अपनी डेस्टिनेशन में जाने के लिए तो बहुत पहले ही लोगों को बता दिया जाए, उसका प्रचार कर दिया जाए ताकि किसी को किसी तरह की दिक्कत ना हो।